हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 29 अक्टूबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1864 ईस्वी में आज ही के दिन यूनान ने नया संविधान अंगीकार किया था। सन 1911 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिकी संपादक और प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर का निधन हुआ था। सन 1920 ईस्वी में आज ही के दिन जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और मुस्लिम धर्मशास्त्री मौलाना महमूद हसन ने अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की आधारशिला रखी थी। यह जामिया नगर नई दिल्ली में स्थित है। सन 1923 ईस्वी में आज ही के दिन ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्की गणतंत्र बना था। सन 1945 ईस्वी में आज ही के दिन विश्व में पहली बार बॉल पेन बाजार में सार्वजनिक रूप से बिका था। रेनॉल्ड्स रॉकेट बॉल पेन पहली बार लगभग $12.5 प्रति पेन की दर से बेचा गया था। बनाए गए सभी 10,000 पेन मार्केट में बिक गए थे। सन 1947 ईस्वी में आज ही के दिन बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड ने मिलकर बेनेलक्स संघ बनाया था। सन 1958 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। सन 1985 ईस्वी में आज ही के दिन मुक्केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म हुआ था। सन 1986 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने लंदन के ऑर्बिटल मोटरवे M25 के अंतिम खंड को खोला था। इसे खोलने पर यह यूरोप की सबसे लंबी रिंग रोड बनी थी। सन 1988 ईस्वी में आज ही के दिन समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। सन 1994 ईस्वी में आज ही के दिन न्यूयॉर्क में अमेरिकी भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ हुआ था। सन 1997 ईस्वी में आज ही के दिन पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक हथियार संधि की पुष्टि हुई थी। सन 1999 ईस्वी में आज ही के दिन पूर्वी भारत के तटीय प्रदेश में आए चक्रवात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सन 2000 ईस्वी में आज ही के दिन आइसलैंड के राष्ट्रपति ओलोफर रैग्नर ग्रिमसन 7 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। सन 2005 ईस्वी में आज ही के दिन दिल्लीवासी दीपावली के 2 दिन पहले त्योहार की गहमा गहमी में डूबे हुए थे, तभी शहर के 2 व्यस्त इलाकों पहाड़गंज और सरोजनी नगर के बाजारों में धमाके हुए थे। सन 2015 ईस्वी में आज ही के दिन चीन ने 1 बच्ची की नीति को खत्म करने की घोषणा की थी। आज ही के दिन डेनमार्क की टेनिस स्टार कैरोलिन वोजनियाकी ने अमेरिकी वीनस विलियम्स को 6-4, 6-4 से हराकर सिंगापुर के कल्लांग में WTA फाइनल का खिताब जीता था। सन 2018 ईस्वी में आज ही के दिन लॉयन एयर फ्लाइट JT610 इंडोनेशिया के जकार्ता के पास टेक ऑफ के बाद समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें सभी 189 सवार लापता हो गए थे। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और आर्थिक संकट के 2 सप्ताह बाद इस्तीफा दे दिया था। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय सेना ने SAI नामक एक मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। एप्लीकेशन भारतीय सेना के सैनिकों को सुरक्षित आवाज, वीडियो और टेक्स्ट कॉलिंग सेवाएं प्रदान करेगा। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ आगे के क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से अत्यधिक ठंड के मौसम के कपड़ों के 11,000 सेट प्राप्त किए थे। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया था। पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में कमियों को कम करना है। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन गुजरात के भूतपूर्व 10वें मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ था। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन फ्रांस के नोट्रे डेम बेसिलिका में एक घातक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। तो ये थी आज से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।